नेक्स्ट हेडिंग डालो डीटीपी। इट स्टैंड फॉर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। DTP स्टैंड फॉर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसी में लिखना इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, मतलब सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही आपको ये देखने को मिलेगा DTP, ठीक है। इसी में मेंशन करना इट इज़ ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। लेयर 2 पे काम करता है। यहाँ पे जो मैसेज जो ये इनिशिएट होगा वो डायरेक्टली लेयर 2 पे ही होगा, जैसे CDP के अंदर जो मैसेज इनिशिएट होता था, ठीक है। तो ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट trunk port and access port dynamically. किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग ये DTP? किस लिए यूज़ होता है? अगर ट्रंक पोर्ट या फिर एक्सेस पोर्ट अगर आप लें डायनेमिकली बनाना है, ठीक है, तो क्या यूज़ होता है DTP इसके लिए यूज़ होता है। इसी में मेंशन करना बाय डिफ़ॉल्ट DTP इज़ इनेबल्ड ऑन ऑल सिस्को स्विचेस, ठीक है। जो DTP है वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस में क्या होगा? इनेबल्ड होगा, ठीक है। इसी में मेंशन करना इट यूजेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये जो भी अपने DTP के मैसेज भेजता है उसमें एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज़ करता है। कौन सा? 010004 × C, जो CDP यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो यही मैसेज को यूज़ करता है और ये जो अपने मैसेजेस भेजता है वो पीरियोडिकली भेजता है, ठीक है। इट सेंड मैसेजेस पीरियोडिकली। इन एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड के बाद में क्या भेजेगा DTP? अपना मैसेज भेजेगा, ठीक है। इसका एक पीरियोडिक टाइम होता है, जो भी अपने मैसेजेस भेजता है वो पीरियोडिकली भेजता है आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, ठीक है। DTP के दो मोड होते हैं, मोड्स ऑफ DTP। मोड्स ऑफ DTP, DTP के दो मोड होंगे। एक तो इसमें होता है डायनेमिक ऑटो और एक होता है डायनेमिक डिज़ायरेबल। जो डायनेमिक ऑटो होता है वो नेगोशिएशन के लिए हमेशा क्या करता है? वेट करता है, और ये हमेशा नेगोशिएशन को इनिशिएट करता है। कौन? डायनेमिक डिज़ायरेबल। तो ये हमेशा क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा, नेगोशिएशन को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये दो मोड होते हैं। ये राइट डाउन कर लिया सबने? लिख लिया सबने ये? ओके, तो इसको समझ लेते हैं, इनके मोड्स को समझ लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास में ये दो स्विचेस हैं अटैच्ड। लाइक इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे, यहाँ पे मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट DTP क्या होता है, सभी स्विचेस पे इनेबल्ड होता है ना। तो तो इन सभी स्विचेस पे DTP क्या रहेगा, इनेबल्ड होगा। ठीक है, अगर इस स्विच पे इस पोर्ट के ऊपर अब क्या है मेरे पास में डायनेमिक ऑटो है, मोड क्या है DTP का, डायनेमिक ऑटो, और इस वाले पोर्ट पे DTP का मोड क्या है, डायनेमिक डिजायरेबल। तो इन दोनों के बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अगर इस साइड में क्या है डायनेमिक डिजायरेबल और यहाँ पे भी क्या है डायनेमिक डिजायरेबल, तो इनके बीच में भी ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है डायनेमिक ऑटो और यहाँ पे भी क्या है डायनेमिक ऑटो, तो इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म नहीं होगी। फिर पोर्ट क्या रहेगा आपका, वो एक्सेस पोर्ट रहेगा। देखो पोर्ट हमारे दो ही हो सकते हैं, या फिर वो पोर्ट आपके एक्सेस बनेंगे या फिर वो ट्रंक बनेंगे। तो अगर कोई पोर्ट ट्रंक पोर्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो एक्सेस पोर्ट होगा। तुम लोगों को याद है कि लाइक हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र्स कनेक्ट किए थे। इस लिंक को हमने क्या मैन्युअली एक्सेस बनाया था क्या, नहीं बनाया। इस वाले पोर्ट को हम लोगों ने क्या किया था, मैन्युअली ट्रंक बनाया था, याद है ना। बट इस पोर्ट को हमने मैन्युअली एक्सेस बनाया था नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे DTP क्या होता था, इनेबल्ड होता था। DTP क्या था, इनेबल। ये अपने DTP मैसेज भेजता था। अब सामने कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये तो कोई DTP मैसेज भेजेगा नहीं। दोनों साइड में DTP क्या होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए। तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी नहीं। अब ट्रंकिंग फॉर्म नहीं होगी तो ये पोर्ट क्या बन गया था, एक्सेस बन गया था, डायनेमिकली ऑटोमेटिकली। हमने इसको बनाया नहीं था एक्सेस, वो डायनेमिकली एक्सेस बन गया था। बात आ रही है समझ में मेरी। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये राइट डाउन कर लिए सबने, ठीक है। देखो जो हमारा स्विच पोर्ट है ना, जो लेयर 2 पोर्ट है ना, स्विच पोर्ट क्या है हमारा, स्विच लेयर 2 पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच पोर्ट। जो ये स्विच पोर्ट है इसके दो मोड होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक होता है ऑपरेशनल मोड। ये दो टाइप के मोड होते हैं स्विच पोर्ट के। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड फिर से 4 पार्ट में डिवाइड है, लाइक स्टैटिक एक्सेस। ऑपरेशनल मोड 4 टाइप के हो सकते हैं, या फिर हो सकता है स्टैटिक एक्सेस, या फिर हो सकता है स्टैटिक ट्रंक, या फिर हो सकता है डायनेमिक ऑटो। सर हाँ जी सर, एक मिनट। या फिर हो सकता है डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, ये 4 मोड हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में 4 टाइप के मोड होते हैं, स्टैटिक एक्सेस, स्टैटिक ट्रंक, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल। और जो ऑपरेशनल मोड जो होते हैं वो दो ही होंगे, वो या फिर होगा वो ट्रंक, या फिर वो होगा एक्सेस। तो चलो हम लोग इनके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको समझ लेते हैं हम लोग। लाइक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कोई भी पोर्ट का जो मोड जो एक एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है। हम लोग जो मोड डिफाइन करेंगे ना वो 4 डिफाइन कर सकते हैं, या फिर स्टैटिक एक्सेस, या फिर स्टैटिक ट्रंक, डायनेमिक ऑटो, या फिर डायनेमिक डिजायरेबल। इन दोनों, इनमें से कोई भी हम लोग मोड सेट कर सकते हैं। जो एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, मोड डिफाइन कर सकता है। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी कर दो। जो पोर्ट आपके ऑपरेट हो रहे होंगे, जो ऑपरेशन जो निकल के आएगा वो दो ही हो सकते हैं, या फिर वो पोर्ट बनेगा ट्रंक, या फिर वो पोर्ट बनेगा एक्सेस, या फिर ट्रंक बनेगा या फिर क्या बनेगा, एक्सेस। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक स्विच था, इस स्विच पे एक ये यूज़र कनेक्टेड है। मैं इस पोर्ट पे अगर जाके क्या बोल दूँ, स्विच पोर्ट मोड क्या बोल दूँ, एक्सेस। मैंने स्टैटिकली उसको क्या बोल दिया, एक्सेस। तो ये ऑपरेशन क्या निकल के आएगा, मैंने मोड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मैंने क्या डिफाइन कर दिया, एक्सेस। तो ऑपरेशन क्या निकल के आएगा, पोर्ट कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, एज ए एक्सेस पोर्ट ऑपरेट हो रहा होगा। वो मतलब सिंगल VLAN का डेटा कैरी करता है एक्सेस पोर्ट पे, है ना। ठीक है, अगर मैं किसी पोर्ट पे लाइक हमारे पास में ये 2 स्विचेज हैं, इस पोर्ट पे हमने जाके क्या बोला था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, याद है। अगर मैं इस पोर्ट पे मैंने क्या बोल दिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो उस पोर्ट का ऑपरेशन क्या निकल, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डिफाइन किया, उसका ऑपरेशन क्या निकल के आएगा, ट्रंक। पोर्ट क्या बनेगा? ट्रंक। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे मोड क्या डिफाइन कर सकते हैं? डायनेमिक ऑटो। और यहाँ पे लाइक मैंने क्या डिफाइन कर दिया? डायनेमिक डिजायरेबल। तो ऑपरेशन क्या निकल के आएगा? ट्रंक। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डायनेमिक डिजायरेबल और यहाँ पे भी डायनेमिक डिजायरेबल, तो ऑपरेशन क्या निकल के आएगा? अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डायनेमिक ऑटो और यहाँ पे भी क्या बोल देता हूँ डायनेमिक ऑटो, ऑपरेशन क्या निकल के आएगा? एक्सेस। मतलब जो ऑपरेट जो आपके पोर्ट ऑपरेट जो हो रहे होंगे ना, वो या फिर एज ए ट्रंक ऑपरेट हो रहे होंगे या फिर एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहे होंगे। समझ में आ गई बात? चाहे आप कोई भी मोड डिफाइन कर दो इनमें से, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो ऑपरेशन जो निकल के आएगा इन दोनों में से निकल के आएगा। पोर्ट जो आपके ऑपरेट हो रहे होंगे वो एज ए ट्रंक या फिर एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट? तो इसको समझ लेते हैं। चलो हम लोग प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक और मैं तुम लोगों को चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे। जो हमारे पास में स्विचेज जो हैं 3750 जो सीरीज़ के स्विचेज है ना यहाँ पे, उन सभी के ऊपर डायनेमिक ऑटो सेट है बाय डिफ़ॉल्ट मोड। बाय डिफ़ॉल्ट मोड क्या सेट है? डायनेमिक ऑटो। अगर मैं बात करूँ 3550 सीरीज़ के जो स्विचेज लगे हैं हमारे यहाँ पे लैब में, उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड है वो क्या है? डायनेमिक डिज़ायरेबल है। समझ में आ गया? राइट डाउन कर लिया? तो मैं यहाँ पे स्विच एक्सेस कर लेता हूँ अभी। स्विच 1 क्लियर लाइन 37 स्विच 1। तो हम लोग दो स्विचेस एक्सेस कर लें, बहुत है ना। स्विच 1 है मेरे पास में और एक स्विच क्या है? 2 है। इन दोनों के बीच में लिंक नंबर मैं यूज़ कर लेता हूँ 0/21। और यहाँ पे एक R1 यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं और एक R2 यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। पोर्ट नंबर 0/1 और पोर्ट नंबर 0/2। 0/0 यहाँ पे रहेगा और ये 0/0 यहाँ पे रहेगा। हाँ ठीक है, 1। तो ये हमारे पास में स्विच 1 और ये स्विच 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग ये पूरी टोपोलॉजी बना लेते हैं पहले। तो मैं स्विच 1 एक्सेस हो गया, इसका होस्ट नेम क्या डिफाइन कर देंगे हम लोग? स्विच 1। ठीक है। और इस पर हमें एक ही इंटरफेस चाहिए, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 टू 19 टू और फास्ट इथरनेट 1/0/22 टू। हम सबको क्या कर दूँ? शट डाउन। राइट क्लिक, डुप्लीकेट सेशन, स्विच क्लियर लाइन 38 स्विच 2। इंटर होस्ट नेम स्विच 2 सेट कर देते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 टू 20 और FA 1/0/22 टू 24। इन सबको कर दो शट डाउन। तो हमारे पास में अभी ये दो ही स्विचेस कनेक्टेड है और बाकी स्विचेस हमारे पास में नहीं है। यहाँ पे स्विच 1 है और एक स्विच 2 है। R1 एक्सेस कर लेते हैं, डुप्लीकेट सेशन R1 क्लियर लाइन 33 R1। डुप्लीकेट सेशन R2 क्लियर लाइन 34 R2 बोलो। R2 उसने R2 ना। तो इसका कौन सा इंटरफेस अब करना है? 0/1 को बोल दो नो शट। और एक आईपी दे देते हैं 10.1.1.2 255.255.255.0। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? R1 पे भी होस्ट नेम सेट कर देते हैं, होस्ट नेम R1 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट इसका 0/0 नो शट करना और आईपी दे देते हैं 10.1.1.1। समझ में आ गई बात है ना? अरे समझ में आ गया ना? तो ये हमारे पास में यूज़र भी अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पहले स्विच 1 पे। चेक कर लेते हैं इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है या नहीं हो रखी। तो शो इंटरफेस इज ट्रंक। तो यहाँ पे ट्रंकिंग फॉर्म है क्या? ट्रंकिंग नहीं बनी हुई ना। शो इंटरफेस इज ट्रंक नहीं है ना, क्यों नहीं है वो चेक कर लेते हैं। मैं स्विच 1 पे गया और स्विच 1 पे जाके हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था 3750 पे डायनेमिक ऑटो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखना शो वर्जन, ये कौन सी सीरीज़ का स्विच है? थर्टी 750 है ना ये, और ये भी शो वर्जन देखना। ये भी कौन सा है? 3750 सीरीज़ का स्विच है ना। तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए? डायनेमिक ऑटो होना चाहिए ना। देख लें इसको। तो स्विच 1 पे चलते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 की लेयर 2 प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो यहाँ पे बोलोगे आप स्विच पोर्ट, क्या बोलोगे? स्विच पोर्ट। जैसे आप यहाँ पे स्विच पोर्ट बोलते हो, देखना स्विच पोर्ट क्या है? इनेबल्ड। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है? डायनेमिक ऑटो। और शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे आप बोल दो स्विच पोर्ट। इस पर भी डायनेमिक क्या है? तो ऑपरेशन क्या निकल के आएगा? ट्रंक तो बनेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? एक्सेस। और वो डायनेमिकली एक्सेस बनेगा। कैसे एक्सेस बनेगा? यहाँ पे शो आपको स्टैटिक एक्सेस कर रहा है, बट बना कैसे है वो? डायनेमिकली एक्सेस बनाए। पोर्ट क्या बना हुआ है? ये डायनेमिकली एक्सेस पोर्ट, क्योंकि सामने क्या है? दोनों साइड में क्या है? डायनेमिक ऑटो। अब डायनेमिक ऑटो होगा तो ऑब्वियस ही बात है कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा होगा ट्रंकिंग को। अरे कोई दोनों ही वेट करते रह जाएंगे ट्रंकिंग फॉर्म करने के लिए। तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी इनके बीच में? नहीं होगी। तो अब एक काम कर लेते हैं, अगर आपने इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म करनी है तो एक पोर्ट पे हम लोग क्या सेट कर लें? तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 का मैं पोर्ट का मोड चेंज कर दूँ, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं? मैं देख लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डिफाइन कर रहा हूँ, और जो ऑपरेशन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? डायनेमिक डिजायरेबल, और सामने क्या है? डायनेमिक ऑटो। तो देखना शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोल दो स्विच पोर्ट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड देखना इसका क्या है, और सामने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है? शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोलते हो स्विच पोर्ट। तो देखना यहाँ पे क्या है? डायनेमिक ऑटो है ना। तो इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हो जानी चाहिए ना। तो शो इंटरफेसिस ट्रंक है। मैंने कौन से पोर्ट पे बोला था? एक काम करो, शो सीडीपी नेबर। नेबर दिखाई नहीं रहा। ये पोर्ट आई थिंक डाउन है इसका। आई थिंक इसका पोर्ट डाउन है ना। तो DTP काम नहीं कर रहा होगा पोर्ट पे। तो ये काम कर लेते हैं, पहले पोर्ट को अप कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 को बोल दो यहाँ पे नो शट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 को यहाँ पे भी क्या बोल दो? नो शट। शो CDP नेबर। स्विच 2 की इन्फॉर्मेशन इस बार आ गई ना। तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोल दो स्विच पोर्ट। काम कर लो डिलीट। स्विच को रिलोड कर रहा हूँ। VTP डोमेन नेम मिसमैच हो रखा होगा ऑलरेडी, आई थिंक डिस्कस करेंगे हम लोग वो क्या है। Host name switch 1 host name switch show CDP neighbor switch 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई ना 21 से, तो 20 रिमेनिंग मैं डाउन कर रहा हूँ। इंटरफेस रेंज 19 to 20 और FA 1/0/22 to 24 डाउन, और स्विच 1 पे भी ये मैं कमांड रन कर रहा हूँ। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to 20 और FA 1/0/22 to 24 सबको कर दो शटडाउन। एक्चुअली ना एक VTP डोमेन नेम मिसमैच हो रखा था, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। शो VTP स्टेटस VTP डोमेन अब नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम। VTP क्या हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखना शो इंटरफेसिस ट्रंक, ट्रंकिंग फॉर्म नहीं हो रखी ना, क्यों? शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और स्विच पोर्ट क्यों नहीं हो रखी ट्रंकिंग फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो है वो क्या है, डायनेमिक ऑटो, और सामने भी क्या है, डायनेमिक ऑटो। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोलो स्विच पोर्ट, देखना डायनेमिक ऑटो है ना। तो एक्सेस बन रखा है ना, तो हम लोग इस वाले पोर्ट को यहाँ पे क्या बोल दें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। मैं जैसे ही इसको डायनेमिक डिजायरेबल बोलता हूँ, अभी देखना एक बार पोर्ट डाउन होगा फिर से अप आएगा। मोड जैसे ही आप चेंज करोगे पोर्ट डाउन होकर अप आएगा। और शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोल दो क्या, स्विच पोर्ट। यहाँ पे क्या डायनेमिक डिजायरेबल और सामने क्या डायनेमिक ऑटो। ऑपरेशन क्या निकल गया है, ट्रंक। और सामने वाले स्विच पे चल लो, यहाँ पे बोलो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोल दो क्या, स्विच पोर्ट। और यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे क्या है मोड क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डायनेमिक ऑटो, और सामने क्या है डिजायरेबल। तो ऑपरेशन क्या निकल के आए, ट्रंक, है ना। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म होगी ना, बट स्टिल यहाँ पे नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या दिखा रहा है, ऑन। इसका मतलब क्या है? नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग का क्या मतलब, ऑन का क्या मतलब है? यहाँ पे DTP अभी भी क्या है, इनेबल्ड है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैनुअली ट्रंक बना दिया, यहाँ पे भी इसको मैनुअली ट्रंक बना दिया ना, अरे स्टैटिकली ट्रंक बोल दिया, तो यहाँ पे DTP मैसेजेस भेजनी चाहिए इसको। DTP मैसेज किस लिए भेज रहा है? डायनेमिक ट्रंकिंग फॉर्म करवाने के लिए भेज रहे हैं ना। तो जब मैंने इसको स्टैटिकली बना ही दिया तो डायनेमिक ये प्रोटोकॉल यहाँ पे मैसेजेस क्यों भेजे, DTP के मैसेजेस क्यों भेजे? इस लिंक पे फालतू में कंजेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने डायनेमिक ही बनाया है ना। हाँ डायनेमिक, ओके सॉरी, यहाँ पे इस केस में तो हमने डायनेमिक बनाया, लेकिन DTP हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे मैं स्टैटिक ट्रंक बना दूँ तो DTP क्या होगा, DTP स्टिल आपका रिमेन अप रहेगा। अरे ये लो, अरे मैं पता नहीं क्या सोचने लग गया था, ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21। मैंने क्या बोला, स्विच पोर्ट मोड, मैंने इसको क्या बना दिया, स्टैटिकली ट्रंक बना दिया ना। लेकिन ये स्टैटिकली ट्रंक बनाने के लिए क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर तुम लोग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है ना, वो क्या है, ऑटो सेट है, उसको भी पहले मैनुअली सेट कर दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रंक इनके, अरे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैंने क्या सेट कर दिया .1 क्यों। अब मैं बोलता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब इस बार मैंने मैनुअली क्या किया है, मैंने मैनुअली ट्रंकिंग फॉर्म करी है ना। और सामने चलता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा पहले इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या करो, मैनुअली सेट करो, वो ऑटोमेटिक सेट हो रखा था। तो मैंने क्या बोला, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैंने क्या बोल दिया .1 क्यू, और स्विच पोर्ट मोड मैंने क्या बोल दिया ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक मैनुअली बोल दिया ना। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे मैं बोलता हूँ स्विच पोर्ट। यहाँ पे नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या दिखा रहा है, ऑन। चलो ठीक है, डायनेमिकली जब मैं बना रहा हूँ तो नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑन होनी चाहिए, मतलब DTP क्या होना चाहिए, ऑन। DTP के मैसेज जाने चाहिए तभी तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी, DTP का मैसेज नहीं जाएगा तो ट्रंकिंग फॉर्म कैसे होगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो लेकिन इस केस में मैंने क्या कर दिया, इन पोर्ट्स के ऊपर मैनुअली इनको क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया। तो मैनुअली जब ट्रंक बना दिया तो यहाँ पे DTP के मैसेजेस क्यों भेजेंगे, फालतू में कंजेशन होगा ना इस लिंक के ऊपर, समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे हम लोग DTP को अब क्या करेंगे, डिसेबल। तो DTP को कैसे डिसेबल किया जाता है, यहाँ पे भी देख लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे स्विच पोर्ट बोलो। यहाँ पे भी नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या दिखा रहा है, ऑन, मतलब ट्रंकिंग क्या, DTP क्या है यहाँ पे स्टिल ऑन है। तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट पे जाके स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी .1 स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे क्या बोल दो, स्विच पोर्ट। तो देखना मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या दिखा रहे हैं, ट्रंक, क्योंकि मैंने स्टैटिकली ट्रंक बोला है, ट्रंक बोला है ना मोड, तो ट्रंक है। और ऑपरेशन क्या निकल गया, और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग देखना ऑफ। अरे समझ में आई बात, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे क्या बोल दो, स्विच पोर्ट। पहले नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या होती थी, वो क्या हो गई, इवन ये लो, मैं नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग वापस से हटा दूँ, वापस से इनेबल कर दूँ। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट ट्रंकिंग तो फॉर्म हो रखी है, स्टैटिकली हो रखी है ना। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या है, DTP के मैसेजेस जा रहे होंगे ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवन चेक करना है DTP के मैसेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस इंटरफेस में कैसे चेक करोगे, डीबग DTP पैकेट ये दिखा देगा कौन कौन से इंटरफेसेस पे जा रहे हैं। वन और फोर पे जा रहे हैं, 21 पे भी जाएंगे, जा रहे हैं ना। भेजनी चाहिए इसको DTP के मैसेजेस, नहीं भेजनी चाहिए ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्टैटिकली ट्रंकिंग फॉर्म करी है ना। तो मैं यहाँ पे अब क्या कर दूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाके स्विच पोर्ट 9 सॉरी 9 नेगोशिएट। तो अब देखना यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे डीटीपी के कोई मैसेज आएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने स्टैटिकली जब ट्रंकिंग फॉर्म करी थी तो डीटीपी के मैसेजेस क्यों जाएं वहाँ पे। तो जब भी आप कोई भी पोर्ट को स्टैटिकली ट्रंक बनाते हो तो पहले तो उस पर इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी क्या करना पड़ेगा, स्टैटिकली सेट करना पड़ेगा, और डीटीपी भी हम लोग क्या कर देंगे डिसेबल, नो नेगोशिएट कमांड चला के। देखना 1 और 4 पे जा रहे हैं बट उस पर नहीं जा रहा। जा रहा है मैसेज, नहीं जा रहा ना, तो हो गया प्रूफ। समझ में आ गई इतनी बात। अब देख लो, अब एक और काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अनऑल कर दूँ इसको, अनडिबग ऑल। मैंने डिबगिंग ऑफ कर दी, ठीक, अब नहीं दिखाएगा कोई भी मैसेज। तो जब भी आप स्टैटिक ट्रंक बनाओगे तो आप क्या कर दोगे, डीटीपी को डिसेबल। और देखना यहाँ पे भी आप इंटरफेस ट्रंक, यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे ना, यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते थे ना। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है ना, ऑलरेडी मैंने आपको बताई दी थी, है ना। ये मोड क्या दिखा रहा है, ऑन, और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या दिखा रहा है, नेटिव विलन क्या दिखा रहा है। नेटिव विलन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया ना, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ क्लियर होगी सबको, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। ओके, अब एक काम कर लेते हैं। मैं चलो वापस से सब कुछ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे गया और मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, डिजायरेबल। लेकिन डायनेमिक डिजायरेबल कमांड नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि डीटीपी यहाँ पे क्या है, डिसेबल है, तो कैसे काम कर जाएगा, है ना। तो डीटीपी इनेबल होना चाहिए तभी ये कमांड लेगा, कमांड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट को पहले क्या करो, नो, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, इस बार ले ली ना ये कमांड। बात आ गई समझ में। और सामने वाले स्विच पे चल लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, कमांड नहीं ले रहा, क्यों क्योंकि यहाँ पे नो नेगोशिएट किया है, डीटीपी क्या डिसेबल है। डीटीपी डिसेबल होगा तो ये पोर्ट मोड इसका काम ही नहीं करेगा। ये मोड किसके हैं, डीटीपी के मोड है ना, डीटीपी डिसेबल हो रखा है, तो डीटीपी पहले इनेबल तो कर लो। स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट को हम लोग क्या कर लें, अब नो कर लें, और स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो बोल दूं अभी, ठीक है। अभी दोबारा चेक कर लें, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे बोल दो क्या, स्विच पोर्ट। ऑपरेशन क्या निकल गया, और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 आगे बोल दो क्या, स्विच पोर्ट। और देखना क्योंकि सामने डिजायरेबल है और अरे इनकैप्सुलेशन पे आता हूँ, ये समझ में आ गया। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। आ गया समझ में। जैसे ये ट्रंक पोर्ट के मोड होते हैं ना, वैसे ही जो हमारे पास में ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है ना, उसके भी 2 मोड होते हैं, ट्रंक इनकैप्सुलेशन जो प्रोटोकॉल है हमारे, उसके भी 2 मोड हैं। कौन कौन से, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक है ऑपरेशनल मोड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो यहाँ पे 3 है। एक तो है मैनुअली आप .1Q बोल सकते हो उस पोर्ट को आप, या फिर मैनुअली उस पर आप इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या बोल सकते हो, ISL, या फिर वहाँ पे आप बोल सकते हो नेगोशिएट, क्या बोल सकते हो, नेगोशिएट। इनमें से कुछ भी बोल दो आप, जो ऑपरेशन निकल के आएगा ना वो 2 ही होंगे, क्या क्या, या फिर .1Q चल रहा होगा यहाँ पे, या फिर ISL चल रहा होगा। जो ऑपरेशन जो निकल के आएंगे वो दो ही होंगे, या फिर .1Q या फिर ISL। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो इसको समझ लें अभी। तुम लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी क्या, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाके स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। उस कमांड को मैं यहाँ से हटा दूँ। मैंने कमांड को क्या कर दिया, यहाँ से नो कर दिया। मैं सामने वाले स्विच पे भी चलता हूँ और यहाँ पे भी जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाके स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q यूज़ किया था हमने। इस कमांड को भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंक पोर्ट पे जो ट्रंक इनकैप्सुलेशन का जो मोड होगा ना, वो होगा नेगोशिएट। क्या होगा? नेगोशिएट बाय डिफ़ॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक। अभी हमने क्या सेट किया हुआ है, डिज़ायरेबल। और यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, डायनेमिक ऑटो। तो ये ट्रंकिंग फॉर्म कर लेंगे ना। कैसे फॉर्म करेंगे, ये यहाँ से एक DTP मैसेज भेजेगा। उस DTP मैसेज में अपना मोड भेजेगा कि मेरी तरफ मोड क्या है, डायनेमिक डिज़ायरेबल है। और ये भी अपना एक DTP मैसेज भेजेगा, ये बताएगा मेरा मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो है। तो दोनों ट्रंकिंग फॉर्म कर लेंगे, दोनों को पता चल जाएगा ना। इसको पता चल जाएगा सामने वाला ऑटो है, यहाँ पे उसको नेगोशिएट कर लेगा और ये उसके साथ में नेगोशिएट कर लेगा, है ना। और जब ये DTP मैसेज में इसके अलावा भी एक और इन्फॉर्मेशन जाती है, ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का मोड क्या है, नेगोशिएट। और इसका भी क्या है, नेगोशिएट। दोनों अपना मोड भेजेंगे DTP मैसेज के अंदर कि मेरा यहाँ पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन का मोड क्या है, नेगोशिएट। ये इसका भी क्या, नेगोशिएट। और दोनों प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं एक्चुअली, दोनों प्रोटोकॉल के फीचर इनेबल्ड होते हैं वहाँ पे, .1Q और ISL। बट ये दोनों नेगोशिएट किसको करते हैं, ISL को। क्यों ISL को नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, वो सिस्को प्रोप्राइटरी हैं। पहले उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। समझ में आ गई बात? तो देख लो यहाँ पे आपका इस पोर्ट पे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे क्या बोल दो, स्विच पोर्ट। देखना एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनेमिक डिज़ायरेबल। और सामने क्या है, डायनेमिक ऑटो। तो इसका ऑपरेशन क्या निकल के आया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन का मोड क्या है, नेगोशिएट। और सामने भी क्या है, नेगोशिएट। तो इनका जो ऑपरेशनल मोड, जो ऑपरेशन जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, ISL। समझ में आई बात? सामने भी देख लो, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 आगे क्या बोल दो, डायनेमिक ऑटो। सामने क्या है, डिज़ायरेबल। तो ऑपरेशन क्या निकल के आया इनका, बट ट्रंक इनकैप्सुलेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है प्रोटोकॉल का, वो क्या है यहाँ पे, नेगोशिएट। और सामने भी क्या है, नेगोशिएट, है ना। तो इन्होंने जो ऑपरेशन मोड जो निकाला वो क्या निकाला, ISL। यही हमने डिस्कस किया था ना, ऑपरेशनल मोड दो ही होंगे, या फिर .1Q या फिर ISL। एक काम करो, ये लो शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ से भी दिखा देगा। ये जो पोर्ट है इसका मोड क्या है, ऑटो। और इनकैप्सुलेशन क्या है, ISL। और ISL को क्या किया इसने, नेगोशिएट। स्टेटस क्या है, सामने चल लो। सॉरी, शो इंटरफेसेस ट्रंक। मोड क्या है, इनकैप्सुलेशन का, ISL को क्या किया इसने, स्टेटस क्या है। समझ में आ गई बात? अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैनुअली क्या कर दूँ, सेट .1Q, है ना। तो ये इस DTP के मैसेज में क्या भेजेगा, अपना मोड .1Q ना। तो यहाँ पे तो हमने मैनुअली .1Q सेट किया ना, और ये सामने वाले के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, नेगोशिएट। समझ में आई बात? देख लो, मैं यहाँ पे आया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q, है ना। मैंने यहाँ पे मैनुअली .1Q सेट किया, शो इंटरफेसेस ट्रंक। यहाँ पे मैंने मैनुअली इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट किया .1Q, और सामने वाले पे हमने मैनुअली सेट किया क्या, सामने क्या है, सामने वाले के अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया, अपने आप को नेगोशिएट। अगर मैं सामने क्या बोल देता हूँ, ये लो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन ISL शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। यहाँ पे मैंने मैनुअली आईएसएल किया हुआ है, वो सामने वाला अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को क्या कर लिया इसने, नेगोशिएट। इवन आप इस कमांड से भी चेक कर सकते थे, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट। देखना मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या सेट किया हुआ है इसका, आईएसएल। ऑपरेशन क्या निकल के आया, आईएसएल। सामने चल लो, मैंने यहाँ पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन का मोड क्या सेट किया है, नेगोशिएट सेट है। ऑपरेशन क्या निकल के आया, आईएसएल, क्योंकि सामने क्या है, आईएसएल। समझ में आई बात? पक्का? ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, जब एक और चीज़ तुम लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने इस पोर्ट को मैनुअली क्या बनाया था, स्टैटिकली ट्रंक बनाया था, तो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल मैनुअली सेट करना पड़ रहा था ना। क्या रिकमेंड किया जाता है, जब भी तुम इन पोर्ट्स को स्टैटिकली ट्रंक बनाते हो ना, जब इन पोर्ट को स्टैटिकली ट्रंक बनाओगे तो डीटीपी का क्या काम है, डीटीपी क्या कर दो, ऑफ कर देंगे ना, डीटीपी हम लोग ऑफ कर देंगे। अब डीटीपी ऑफ कर देंगे तो इन दोनों का इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल नेगोशिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो तो डीटीपी में इंफॉर्मेशन जाती थी। यहाँ पे .1Q है तो अपने आपको .1Q पे, यहाँ पे आईएसएल है सामने तो अपने आपको आईएसएल पे, अगर दोनों साइड में नेगोशिएट है तो अपने आपको आईएसएल पे नेगोशिएट कर लेते थे ना, तो वो डीटीपी डिसेबल ही हो जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? तो इसीलिए वहाँ पे क्या बोल रहा था, जब तुम स्टैटिकली ट्रंक बनाते हो तो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी, क्योंकि तुमने नेगोशिएशन को क्या करना है, फिर ऑफ करना है, तो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल तो फिर मैनुअली सेट करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? वो डायनेमिकली नहीं सेट होगा ना। ये लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड, इसने ये कमांड ले ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैनुअली सेट है। यहाँ पे सेट मैंने स्टैटिकली सेट किया हुआ था ना, अरे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल मैनुअली सेट किया हुआ था। यहाँ पे चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ले ही नहीं रहा कमांड, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम लोग डीटीपी क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। डीटीपी डिसेबल करेंगे तो ये अपने आपको कैसे नेगोशिएट करेगा? अरे यहाँ पे एन नहीं हो सकता, नेगोशिएट नहीं हो सकता, ये सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आपको नेगोशिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डीटीपी क्या हो गया, डिसेबल, ये मैसेज भेजेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या सेट है, एन। एन का मतलब क्या है, तुम सामने वाले का अकॉर्डिंग अपने आपको क्या कर लो, नेगोशिएट कर लो। सामने .1Q है तो अपने आपको .1Q कर लो, सामने आईएसएल है तो तुम अपने आपको आईएसएल पे ले आओ। अरे ये होता है ना। तो जब डीटीपी मैसेज ही नहीं आएगा तो यहाँ पे कैसे ये नेगोशिएट करेगा? जब डीटीपी आप क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे, तो तुम यहाँ पे एन नहीं सेट कर सकते, यहाँ पे ऑटो नहीं हो सकता मोड। देखना ये क्या बोल रहे हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का मोड ऑटो नहीं हो सकता, नेगोशिएट नहीं हो सकता। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या सेट करना पड़ेगा, सामने क्या है, आईएसएल। तो मैं यहाँ पे भी क्या सेट कर देता हूँ, आईएसएल। अब बना दो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अब बन जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? सर जब मोड डायनेमिक एक्सेस होगा तो उससे फिर डीटीपी मैसेज, अभी आता हूँ उस पर भी आता हूँ, अभी आता हूँ उसके ऊपर। इतना समझ में आया? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। और ये वाला जो पोर्ट है, अब इस पोर्ट की डिटेल देखते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1, और आगे बोल दो क्या, स्विच पोर्ट। यहाँ पे क्या है, डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो है, सामने वाले पे चाहे डायनेमिक डिजायरेबल होगा तभी क्या बनेगा, ये ट्रंक बनेगा ना। या फिर सामने अगर क्या हुआ, ऑटो हुआ तो ट्रंक फॉर्म होगा। और सामने वाला डिवाइस है अभी हमारा क्या, राउटर, ये डीटीपी मैसेज भेजेगा, मैसेज रिसीव ही नहीं होगा, तो कैसे ही अपने आप को ट्रंक बना लेगा? ये अपने आप को ट्रंक नहीं बना पाएगा ना। इवन यहाँ पे डायनेमिक डिजायरेबल भी होगा ना, तो ये डीटीपी मैसेज भेज रहा होगा, बट इसको यहाँ पे कोई डीटीपी का मैसेज रिसीव होगा नहीं, तो अपने आप को ये ट्रंक बनाएगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, ऑपरेशन क्या निकल के आएगा फिर? देख लो यहाँ पे इस पोर्ट का मोड क्या है, डायनेमिक ऑटो। अब सामने डीटीपी चल नहीं रहा, पोर्ट क्या बन गया, स्टैटिक एक्सेस दिखा रहा है, बट ये डायनेमिकली एक्सेस बना है। और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या दिखा रहा है, ऑन, मतलब डीटीपी के मैसेज क्या हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं। और मैंने डिबग में दिखाए थे ना, तो होते हैं ना सेंड। ये लो मैं काम करता हूँ फास्ट इथरनेट 1/0/20 पे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक मैं डिजायरेबल बोल देता हूँ। स्टिल सामने डीटीपी है इनेबल्ड नहीं है ना, अरे नहीं है ना सामने इनेबल। राउटर है, राउटर पे थोड़ा ना डीटीपी चल रहा होता है। पोर्ट क्या बना है? नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या है? डीटीपी के मैसेजेस अभी भी जा रहे होंगे इस पोर्ट से, देखनी है। डिबग डीटीपी पैकेट 0/1 पोर्ट पे देख लेना, अभी मैसेज आएंगे। जा रहे हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं डायनेमिक डिजायरेबल ही सिर्फ डीटीपी मैसेज भेजता है, ऐसा नहीं है। डायनेमिक ऑटो से भी डीटीपी मैसेज आते हैं। ये लो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, चाहे डायनेमिक डिजायरेबल हो चाहे डायनेमिक ऑटो हो, इंफॉर्मेशन जाएगी। नहीं तो ये अपने आप को कैसे नेगोशिएट करेगा सामने वाले के अकॉर्डिंग? आता हूँ उस पर अभी, ये तो देख लो यार, इतना क्यों आगे भाग रहे हो। ये देखना 21 पे भेज रहा है ये, तो ना आएगा 1 पे भी आएगा। 1 पे भेज रहा है ना, तो चाहे ऑटो हो चाहे जो मर्जी हो मैसेजेस भेजेगा। तो इस लिंक पे अब फालतू में क्या होगा? कंजेशन होगा। तो हम लोग इस वाले पोर्ट को स्टैटिकली क्या बना दें, स्टैटिकली एक्सेस बना लें। तो कैसे बनाओगे? फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है ना। और मैंने इसको जैसे ही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बोला, अब देख लेते हैं शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 और स्विच पोर्ट देखना। मैंने इसको स्टैटिक एक्सेस बोला, ऑपरेशन क्या निकल गया है? एक्सेस है ना। और ये देखना जब ट्रंक पोर्ट जब आप मैनुअली बनाते हो तो डीटीपी स्टिल इनेबल होता है, नो नेगोशिएट करना पड़ता था ना हमने स्विच पोर्ट को। बट कोई पोर्ट को अगर आप स्टैटिकली एक्सेस बनाते हो तो डीटीपी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिसेबल। अब डीटीपी डिसेबल हो चुका है इस पोर्ट से। अब इस पोर्ट से कोई डीटीपी मैसेज नहीं जाएगा। और हम लोग इसीलिए जितने भी हमारे यहाँ पे एंड यूज़र जो कनेक्टेड होते हैं उन सभी पोर्ट को हम लोग क्या बनाते हैं? स्टैटिकली एक्सेस बनाते हैं, ताकि उन पोर्ट्स के ऊपर डीटीपी के मैसेजेस ना जाएं, उस लिंक के ऊपर कंजेशन ना हो। इन लिंक के ऊपर यहाँ पे जो हमारे एंड यूज़र कनेक्टेड हैं, यहाँ पे हम लोग सीडीपी को भी डिसेबल रखते हैं और डीटीपी को भी डिसेबल रखते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। और क्या रह गया इसमें? ट्रंक अलाउड वीलेन लिस्ट मैंने पढ़ा दी थी तुम लोगों को लास्ट क्लास में। ट्रंक अलाउड वीलेन लिस्ट, अरे ये शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/20, अरे शो इंटरफेसेस ट्रंक। ये सारे फीचर बता दिए थे मैंने, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी मुझे बता दो। हाँ डीटीपी स्टिल इनेबल होता है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, नो नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो डीटीपी स्टिल इनेबल रहेगा। तो क्यों जब स्टैटिकली जब ट्रंक बना दिया तो डीटीपी को डिसेबल कर दो तुम, ठीक है। तो ये मोड पता चल गया ना, ऑपरेशनल मोड भी पता चल गया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 और आगे मैंने बोला स्विच पोर्ट। अब इसमें मुझे बताओ तुम लोग, अब ये इस कमांड इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब पता चला सबको? क्लियर है ये? ठीक है। तो हमारे जितने भी एंड यूज़र जहाँ पे कनेक्टेड होंगे उन पोर्ट्स को हम लोग क्या बना लेंगे? स्टैटिकली एक्सेस। डीटीपी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। अगर किसी पोर्ट को अगर आप मैनुअली क्या बना रहे हो, अगर मैनुअली अगर ट्रंक बना रहे हो तो डीटीपी मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बात करते हैं नेटिव वीलैन की। नेटिव वीलैन क्या है? देखो, इट इज used to spot, untag traffic on trunk link या trunk link पे untag traffic को spot करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? native VLAN। It support only .1Q। नेटिव वीलन को सिर्फ कौन सपोर्ट करता है? .1Q। ISL नहीं करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वीलन 1 इज नेटिव वीलन। बाय डिफ़ॉल्ट वीलन 1 नेटिव वीलन होता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं नेटिव वीलन का यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ होता है नेटिव वीलन। राइट डाउन कर लिया सबने, इसको समझ लेते हैं अभी हम लोग। देखो यार, नेटिव वीलन का क्या यूज़ होता है। लाइक हमारे पास में यहाँ पे दो स्विचेस हैं। इन स्विचेस के ऊपर यहाँ पे DTP के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, CDP के भी मैसेजेस आएंगे, LLDP के भी मैसेजेस आएंगे, जाएंगे ना। तो ट्रंक पोर्ट पे जब भी कोई डेटा फॉरवर्ड करता है ट्रंक पोर्ट, तो यहाँ पे एक ISL या फिर .1Q प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन डेटा ट्रैफिक पे हमेशा टैगिंग करके भेजते हैं ना, है ना। तो जो .1Q जो है ना, जो हम लोग .1Q जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जो भी हमारा, और हाँ, जितना भी हमारा ये जो लेयर 2 ट्रैफिक जितना भी जाता है ना प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग, जो भी ट्रैफिक जा रहा होता है, CDP, DTP, जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारे, वो सारे के सारे नेटिव वीलैन के ऊपर जाते हैं। किसके ऊपर जाते हैं? नेटिव वीलैन के ऊपर जाते हैं। अब नेटिव वीलैन के ऊपर जो ये ट्रैफिक जा रहा है, तो वो कोई आगे तो भेजना नहीं है हमने, आगे एंड यूज़र को तो भेजना नहीं है, जो कि हम लोग बताएं कि हाँ भाई इस वीलैन से डेटा आ रहा है और उस वीलैन को भेजना है। वो तो हमारा इस स्विच के लिए एयर ट्रैफिक है ना, इसका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है ना, डेटा प्लेन ट्रैफिक थोड़ा ना हमारा। ये समझ में आई मेरी बात? तो अब क्या होगा, अगर वो ये उस ट्रैफिक के लिए भी अगर टैग लगा के भेजेगा, तो इस लिंक के ऊपर कंजेशन होगा ना। समझ में आई मेरी बात? तो इस लिंक पे अगर टैग लगा के भेजेगा तो डेटा का साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, तो इस लिंक पे कंजेशन होगा और DTP यहाँ पे लेयर 2 मैसेजेस बहुत सारे जा रहे होंगे। समझ में आई मेरी बात? तो जितना भी हमारा लेयर 2 ट्रैफिक जा रहा होता है, CDP, DTP जो भी हमारे मैसेजेस जा रहे होते हैं ट्रंक पोर्ट के ऊपर, वो सारे के सारे नेटिव वीलैन के ऊपर जा रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, .1Q प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, तो वो वहाँ पे कभी भी उनके लिए टैग परफॉर्म नहीं करेगा, टैगिंग नहीं करेगा। अब टैगिंग नहीं करेगा तो इस लिंक पे कंजेशन होगा नहीं होगा? जब पता है यार, जब इसी के लिए वो डेटा है तो क्यों टैग लगाना। समझ में आई बात? बट ISL जो है ना, ISL उसको सपोर्ट नहीं करता। ISL अगर आप यूज़ कर रहे हो, डेटा तो नेटिव वीलैन पर ही जाएगा, बट ISL उसके लिए क्या कर रहा होगा, टैगिंग परफॉर्म कर रहा होगा, टैग लगा के भेजेगा। तो ISL के लिए फिर इस लिंक पे लेयर 2 ट्रैफिक के लिए कंजेशन होगा ना। तो ये भी रीज़न है हम लोग ISL यूज़ नहीं करते। और ये डेटा ट्रैफिक का डेटा जो आपका जा रहा होगा, उसका साइज़ भी क्या कर देगा। समझ में आ गई बात? नेटिव वीलन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या यूज़ होता है। जो भी हमारा लेयर 2 ट्रैफिक जाएगा, वो सारा का सारा नेटिव वीलन के ऊपर जाता है। तो अगर आप .1Q यूज़ कर रहे होते हो, तो नेटिव वीलन के लिए वो कभी भी टैगिंग परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। इस नेटिव, और हाँ, एक पोर्ट के ऊपर एक स्विच के एक ट्रंक लिंक पे एक ही नेटिव वीलन हो सकता है। ये नहीं है कि मैं एट ए टाइम मल्टीपल वीलन को क्या बना लूँ, नेटिव वीलन बना लूँ। लाइक ये स्विच है, इस स्विच पे मैंने यहाँ पे नेटिव वीलन क्या है, वीलन 1 है। तो मैं नेटिव वीलन 10 को बोल दूंगा ना, तो फिर 1 नेटिव वीलन नहीं रहे। तो एक ही वीलन को आप नेटिव वीलन बना सकते हो कोई भी। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई डाउट? देख ले नेटिव वीलन कैसे चेंज, अगर आपने करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अरे नेटिव वीलैन को आप चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो। कैसे चेंज करोगे? स्विच पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, स्विच पोर्ट, ट्रंक, नेटिव वीलैन, मैंने क्या बोल दिया 10, शो इंटरफेस ट्रंक, नेटिव वीलैन क्या हो गया वीलैन 10। दो वीलैन नेटिव वीलैन नहीं हो सकते कभी भी, एक ही वीलैन रहेगा, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि मैंने आपको क्या बताया कि नेटिव वीलैन के लिए अगर आप .1Q यूज़ कर रहे हो तो कभी भी टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो इसको प्रूव करके देख लें हम लोग। और ISL के लिए टैगिंग परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो इसको कैसे प्रूव करके देखेंगे हम लोग। ये एक स्विच है और ये जो हमने लिंक बना रखा है वो कौन सा लिंक बना रखा है? ट्रंक लिंक। ये मेरे पास में यहाँ पे एक यूज़र है और एक मेरे पास में ये यहाँ पे एक यूज़र है, ये है यहाँ पे वीलन 10 में और ये है वीलन 20 में। यहाँ पे आईपी दिया हुआ है 10.1.1.1 10.1.1.2। क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा अभी? क्या ये दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे? कैसे? वो नहीं, मुझे सिंपली बताओ कम्युनिकेशन हो जाएगा? नॉर्मली तो नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि ये डिफरेंट वीलन में। इन दोनों के बीच में यहाँ पे चल रहा है .1Q। क्या चल रहा है? .1Q प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी और इस इंटरफेस पे भी। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंटरफेस पे नेटिव वीलन जो है ना वो सेट कर देता हूँ क्या 10, और इस इंटरफेस पे मैं नेटिव वीलन क्या सेट कर देता हूँ 20। अब क्या होगा, अब अगर इस यूज़र ने इस यूज़र को डेटा फ्रेम फॉरवर्ड करना है तो फ्रेम आया एक स्विच के पास में, ये स्विच क्या चेक करेगा कौन से पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव हुआ है। इस वाले पोर्ट पे ये कौन से विलन का मेंबर है? विलन 10 का ना, तो इसकी कॉपी इस वाले लिंक पे भेजेगा ना। ये देखेगा यहाँ तो विलन 10 का डेटा भेजना है ना, विलन 10 का है ना, यहाँ तो विलन 10 क्या है नेटिव विलन है, टैग लगा के भेजेगा क्या? नहीं लगाएगा ना, .1Q है। अब इसको यहाँ पे विदाउट टैग एक डेटा फ्रेम रिसीव हुआ, इसको क्या रिसीव हुआ? एक विदाउट टैग एक डेटा रिसीव हुआ। ये क्या एज्यूम करेगा, यार टैग नहीं लग के आ रहा तो जरूर नेटिव विलन का है, मेरा नेटिव विलन कौन है 20 है, तो इसकी एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्या ISL, तो नेटिव विलन चलो आपने चेंज भी कर दिए, फ्रेम आया यहाँ पे एक कॉपी कहाँ पे भेजेगा? इस ट्रंक पोर्ट पे विलन 10 का टैग लगा के भेजेगा ना। फ्रेम आया यहाँ पे एक विलन 10 का टैग लग के आ रहा है, विलन 10 का टैग हटाएगा और एक कॉपी कहाँ पे भेजेगा उसकी? उन पोर्ट पे जो कि विलन 10 का मेंबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या यूज़ कर लूँ ISL, तो क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा? तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ .1Q, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो प्रूव हो जाएगा ना कि जो .1Q जो है वो टैगिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता और ISL टैगिंग परफॉर्म कर रहा होता है, हो जाएगा ना प्रूव। हाँ तो नहीं होगा, ले बता क्या करना है। ये ले, हाँ ये विलन 30 है और .1Q चल रहा है। हाँ .1Q चल रहा है तो क्यों होगा उससे, तो वो तो विलन 30 का डेटा है ना। फ्रेम यहाँ पे आया किसका? अरे सुन तो ले, यहाँ पे कोई टैग लग के आया, वो क्या देखेगा मेरा नेटिव विलन कौन है, तो 20 वाले को भेजेगा, इसको थोड़ा भेज देगा वो। हाँ तो भेज देता उधर, समझ में आ गई बात? अरे समझ में आया, तो इसको प्रूव करके देख लें। तो प्रूव हो जाएगा ना इससे कि नेटिव विलन अगर आप यूज़ कर रहे हो, सॉरी अगर आप .1Q यूज़ कर रहे हो तो नेटिव विलन के लिए टैगिंग परफॉर्म नहीं करता और ISL परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं हम लोग। तो मैं इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या यूज़ कर लूँ, फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे, स्विच पोर्ट, ट्रंक, इनकैप्सुलेशन क्या यूज़ कर लूँ मैं .1Q, है ना। इस पे भी चल लूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे चल लो और स्विच पोर्ट, ट्रंक, इनकैप्सुलेशन .1Q। मैंने दोनों जगह पे क्या यूज़ कर लिया .1Q यूज़ कर लिया, ठीक है। और शो इंटरफेसेस ट्रंक, ये दिमाग मत लगाना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। अब मैंने ये क्यों किया है बाद में पता चल जाएगा तुम लोगों को जब एसटीपी पढ़ेंगे। इसको भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है। तो देखना शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है यहाँ पे। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल .1 क्यों, नेटिव विलन क्या है 1। यहाँ पे आ जाओ शो इंटरफेसेस ट्रंक, नेटिव विलन चेंज कर दूँ मैं वापस इसका। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन 10 बोला था ना, मैं इसको हटा दूँ कमांड को। तो शो इंटरफेस ट्रंक देखना वापस से 1 हो गया ना, तो अब नॉर्मल है 1 है यहाँ पे। तो मैं इस यूज़र को डाल रहा हूँ विलन 10 में, इस यूज़र को डाल रहा हूँ विलन 20 में। तो ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 वाले पोर्ट को, स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलन 10 को है ना। और सामने वाले यूज़र पे चल लो, सामने वाले स्विच पे चल लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 पोर्ट को, स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलन 20 को। अरे ठीक है ना, कर लोगे ना, विलन ऐड तो करवाने आते हैं ना सबको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इन यूज़र्स के ऊपर। यहाँ पे देखना तुम इसको आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी दे रखे इनको, हाँ ठीक है 10.1.1.1 और इस पर एक आईपी दिया होगा। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आईपी देखना 10.1.1.2। तो इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा होगा अभी 10.1.1.2 को जब मैं कम्युनिकेट करूँगा तो क्या कम्युनिकेशन होगा। ये यहाँ से फ्रेम रिसीव हुआ, इसकी कॉपी कहाँ पे भेजेगा, इस लिंक पे विलन 10 का टैग लगा के भेज रहा होगा। अभी विलन 1 है नेटिव विलन, यहाँ पे विलन 10 का टैग हटाएगा और ये कॉपी कहाँ पे भेजेगा, विलन 10 वालों को। तो यहाँ पे विलन 10 में नहीं है ये यूज़र, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मैं नेटिव विलन चेंज करवा रहा हूँ इनका। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाके क्या बोलना है हमने, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन 10 कर लिया चेंज। स्विच 2 पे चल लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन कौन सा 20। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो नेटिव विलन हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब मैं इस यूज़र पे गया और मैं कम्युनिकेट करवा के देखता हूँ किसको कम्युनिकेशन हो रहा है, है ना। अब ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे .1 क्यों चल रहा है, मैं यहाँ पे ISL प्रोटोकॉल सेट कर दूँ। अरे ISL प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा तो वो टैगिंग परफॉर्म करेगा ना। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन क्या ISL, स्विच 2 पे चलो, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन ISL। एक बार पोर्ट डाउन होगा और फिर से अप आएगा, तो थोड़ा टाइम लेगा वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में। 30 सेकंड का वेट कर लेते हैं। एक काम कर लो ना, 30 सेकंड का क्या वेट करना, रिपीट पिंग कर लो, 100 पैकेट भेज रहा हूँ। 15 से ज़्यादा पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे तो प्रूव हो ही जाएगा। कम्युनिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि ISL है वो टैगिंग परफॉर्म कर रहा होगा। ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q सामने वाले पे चल लो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। थोड़ी देर का वेट करो, कम्युनिकेशन 15 पैकेट ड्रॉप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 30 सेकंड का वेट कर लो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वापस से, क्योंकि पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे ना आपके। अरुण पोर्ट पे VLAN जो है आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे ना। 30 सेकंड लेते थे ना। देखना अभी होने वाला है पिंग। देखना तो प्रूव हो जाता है ना यहाँ पे। ठीक है, वापस से हटा दें उसको। ये कौन सा पोर्ट है? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 10 बोला था ना यहाँ पे। मैं इस कमांड को वापस से रिमूव कर रहा हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 20 को मैं यहाँ से वापस से रिमूव कर दिया। समझ में आ गई बात। ये था हमारा DTP। आई होप इसमें अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। DTP पे मैं कुछ और बाकी है तो मुझे बता दो। इतना ही था DTP में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? VTP। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इंटर VLAN राउटिंग। जो आप इंटर VLAN राउटिंग करवाते हो वो दो टाइप से हम लोग करवा सकते हैं। राउटर ऑन स्टिक मेथड यूज़ करके हम लोग करवा सकते हैं, और एक हम लोग करवा सकते हैं SVI यूज़ करके इंटर VLAN राउटिंग करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग राउटर ऑन स्टिक मेथड यूज़ करके ही हम लोग क्या करवाएंगे, इंटर VLAN राउटिंग पढ़ेंगे। जो SVI बना के जो हम लोग इंटर VLAN राउटिंग करवाएंगे वो हम लोग मल्टी लेयर स्विच में पढ़ेंगे। मल्टी लेयर स्विच में मैंने आप लोगों को वहाँ पे मेंशन किया था, अगर तुम लोगों को याद हो। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्विच है। इस स्विच के साथ में कुछ यूज़र्स हैं हमारे किसमें, VLAN 10 में, और कुछ यूज़र्स हैं किसमें, VLAN 20 में। पहली रिक्वायरमेंट तो ये रहेगी कि अगर आप लोगों ने इन दोनों VLAN के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है, ये किसमें है, VLAN 10 में, और ये किसमें है, VLAN 20 में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये रहेगी कि इनको जो आप IP असाइन करवाओगे ना, वो दोनों को डिफरेंट नेटवर्क में IP देने पड़ेंगे। सेम नेटवर्क में IP नहीं हो सकता, क्योंकि राउटर यूज़ करेंगे और राउटर फिर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे IP यूज़ कर लिया 10.1.1.0/24 के नेटवर्क में, और इन मशीन्स पे यूज़ कर लिया 20.1.1.0/24 के नेटवर्क में। इनके बीच में हम लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करवाना है। देखो कम्युनिकेशन इनके बीच में वैसे ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये डिफरेंट VLAN में थे, और ऊपर से ये डिफरेंट नेटवर्क में भी आ गए। तो कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में? नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक राउटर यूज़ कर लेंगे। वो राउटर यूज़ करके हम लोगों ने इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। इस राउटर पे एक इथरनेट पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 0/0। ये भी इंटरफेस रहेगा इस पर, है ना। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस राउटर पे दो सब इंटरफेस बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, दो सब इंटरफेस बनाएंगे। लाइक मैंने फास्ट इथरनेट 0/0.10 बना लिया, और एक बना लिया फास्ट इथरनेट 0/0.20 बना लिया। ये दो बना लिए मैंने। ठीक है, इस इंटरफेस पे आपने कुछ नहीं करना। इस इंटरफेस पे सिंपल आपने इस पोर्ट को अप करना है, दैट्स इट। इस पोर्ट का कोई काम नहीं है और। ठीक है, फिर इस इंटरफेस पे आप क्या करोगे, एक IP असाइन करोगे। किस नेटवर्क में? तो लाइक मैंने इसको एक IP दे दिया 10.1.1.1/24 पे, और ये IP इन दोनों मशीन्स के लिए क्या बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हुआ तो अपने गेटवे के पास में जाएंगे ना, और गेटवे कौन है, राउटर है ना, है ना। और इस इंटरफेस पे हम लोग IP क्या असाइन करवा देंगे, लाइक 20.1.1.1/24, और ये IP इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और अब इस राउटर पे इसकी राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क दिखा रहा होगा डायरेक्टली कनेक्टेड। इसके राउटिंग टेबल में आपको दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा होगा। कैसे? एक तो दिखा रहा होगा 10.1.1.0/24, कौन से इंटरफेस की तरफ, फास्ट इथरनेट 0/0.10 की तरफ। एक दिखा रहा होगा 20.1.1.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड विद फास्ट इथरनेट 0/0.20। ये दो नेटवर्क शो कर रहा होगा इसकी राउटिंग टेबल में। यहाँ पे क्या रहेगी इसकी राउटिंग टेबल। इस राउटर के राउटिंग टेबल। ठीक, समझ में आई इतनी बात। अब अगर इस यूज़र ने इस यूज़र को डेटा भेजना है, 10.1.1.1 ने 10.1.1.2 को डेटा फॉरवर्ड करना है, तो सोर्स आईपी क्या रहेगा, सॉरी इसका आईपी था 10.1.1.2 ने 20.1.1.2 को डेटा भेजना था, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या लगा देगा ये, लाइक इसका मैक एड्रेस क्या है, ए है तो ए लगा देगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगाएगा, किसका लगाएगा बताना, ये देखेगा अपनी एआरपी टेबल, और एआरपी टेबल में किसका मैक एड्रेस चेक करेगा, अपने गेटवे का, किसका, जब भी तुम डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हो ना, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा किसका लगता है, अपने गेटवे का, क्योंकि गेटवे के पास में हमने क्या करना है, ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। तो ये चेक करेगा मेरा गेटवे कौन है, गेटवे है 10.1.1.1। अगर इसकी एआरपी टेबल में वो गेटवे का मैक एड्रेस पड़ा है तब तो ठीक है, नहीं पड़ा तो ये आर जनरेट कर देगा गेटवे के लिए, और उसके पास में रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो इसके पास में 10.1.1.1 का मैक एड्रेस आ जाएगा ना, तो ये क्या लगा देगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैं मान के चल रहा हूँ इस सब इंटरफेस का मैक एड्रेस बी था, इसका सी है, ठीक है, और इसका क्या है, डी है, तो ये क्या लगा देगा, बी। फ्रेम आएगा किसके पास में, स्विच के पास में, स्विच के पास में जैसे ही फ्रेम आएगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए यहाँ पे लर्न कर लेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी, बी इस वाले पोर्ट पे लर्न हो रखा होगा ना, बी और सी दोनों इस पोर्ट पे लर्न हो रखे होंगे ना, और डी यहाँ पे लर्न हो रखा होगा है ना, तो बी और सी इसी पे हैं तो इस पे भेजेगा ना, लेकिन इस राउटर के पास में जब डेटा आएगा तो इसको कैसे पता चलेगा वो डेटा इसके लिए आ रहा है या इसके लिए आ रहा है, मतलब ट्रैफिक को कैसे सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, अब ट्रैफिक को कैसे सेपरेट करेंगे, तो ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए ये जो एक्चुअली पोर्ट, अब देखो इस पर VLAN 10 का भी, अरे समझने की ट्राई करो, अब ये इस लिंक पे डेटा भेजेगा ना, अब यहाँ पे देखना ये 10 वाले भी बैठे हैं 20 वाले भी बैठे हैं, ट्रैफिक को कैसे सेपरेट करोगे, कैसे पता चलेगा राउटर को कि VLAN 10 का डेटा है या VLAN 20 का डेटा है, तो एक्चुअली ये जो पोर्ट है ना आपका, इस पोर्ट को हम लोग बना के रखेंगे क्या, ये जो स्विच का जो पोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रंक पोर्ट रहेगा। अब इस ट्रंक पोर्ट पे जब भी डेटा भेजेगा ये एक VLAN 10 का क्या करेगा, एक टैग लगा के भेजेगा, लगा के भेजेगा या नहीं लगा के भेजेगा, लगा के भेजेगा ना, और ये जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है ना इसको बताना पड़ेगा तुम टैगिंग किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो, तुम टैगिंग परफॉर्म कर रहे हो VLAN 10 के लिए, और इसको बताना पड़ेगा तुम टैगिंग किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो VLAN 20 के लिए, इसको बताना पड़ेगा इन राउटर को। तो अब इसके पास में एक फ्रेम आया, रिसीव हुआ राउटर के पास में इस फिजिकल इंटरफेस पे है ना, तो अब ये क्या करेगा, अब इसको पता चलेगा ये टैग नंबर क्या लग के आ रहा है 10, टैग नंबर क्या लग के आ रहा है 10, और टैग 10 रिमूव करके किसको भेज देगा, इस इंटरफेस को भेज देगा 10, टैग नंबर 10 रिमूव करके इस इंटरफेस को भेज देगा ना। अब वो देखेगा, अब ये राउटर क्या चेक करेगा, ये इंटरफेस क्या चेक करेगा, जो फ्रेम आया है उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लग के आ रहा है, बी, मेरा ही है, एक्सेप्ट कर लेगा लेयर 2 पे। अब ओपन क्या करेगा लेयर 3 इन्फॉर्मेशन, लेयर 3 में डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1.1.1 है ना, तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा, तो इसको किससे भेज दे, ये इस वाले लिंक से भेजना ना, अरे अल्टीमेटली डेटा तो इस फिजिकल लिंक पे ही जाएगा बट डॉट 20 पे भेजना है ना, और डॉट 20 का जब 20 की तरफ जब भी डेटा भेजेगा तो इसके लिए टैगिंग परफॉर्म करेगा, क्या टैग लगा के भेजेगा VLAN 20 का, जैसे यहाँ पे टैग परफॉर्म रिसीव होगा तो ट्रैफिक अब सेपरेट हो जाएगा ना, टैग किसका लग के आ रहा है 20 का, 20 का टैग हटाएगा और एक कॉपी कहाँ पर भेज देगा, अरे ये जब राउटर से जब डेटा इधर फॉरवर्ड होगा ना इस इंटरफेस की तरफ, तो मैंने बताया था ना एक पैकेट रीराइटर होता है, बताया था मैंने, अरे जब भी इस इंटरफेस पे डेटा ट्रैफिक जाएगा ना तो वो क्या करेगा, वो अपना सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या करेगा, चेंज करेगा। सोर्स मैक एड्रेस किसका लगा देगा, इस इंटरफेस का, सी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगा देगा, सामने वाले का। फ्रेम आएगा यहाँ पे 20 का टैग लग के आया, 20 का टैग हटाएगा, वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, सी लग के आ रहा है, इस पोर्ट पर वापस से उसको क्या कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या, डी, तो इस वाले पोर्ट पर फॉरवर्ड कर देगा ना VLAN 20 वाले को, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा इनके बीच में। तो ये इसका पैकेट फ्लो था सर, लेकिन स्विच और राउटर के बीच में तो ट्रंक नहीं फॉर्म होता, ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट रहेगा, यहाँ पे ये पोर्ट ट्रंक नहीं रहेगा, मैं इस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात। फिर यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा तुम्हें इन पोर्ट के ऊपर, अभी दिखा दूंगा सब कुछ, अरे अभी क्लियर कर दूंगा ये सारा कुछ। ये समझ में आया पैकेट फ्लो? तो देख लो अब इसको समझ लो कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे इसमें परफॉर्म करके देखेंगे इसको रैक पे। तो R1 को हम लोग बना लेंगे राउटर मान के चल लेंगे, R2 को और R3 को हम लोग यहाँ पे एंड यूज़र मान के चल लेंगे और इनको ऐड करवा लेंगे VLAN 10 में और इसको ऐड करवा लेंगे VLAN 20 में। इसको एक IP दे देंगे क्या 10.1.1.2 और इसको एक IP दे देंगे क्या लाइक R1 R2 है तो मैं इसको दे दूंगा लाइक 20.1.1.2 और इसको एक IP दे देंगे 30.1.1.2। इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो इस राउटर पे दो इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे हमें, एक 10 बना लेंगे और एक 20 बना लेंगे, है ना? अरे समझ में आ रही है? इसको IP दे देंगे 20.1.1.1 और ये IP इसके लिए क्या बन जाएगा और इसको एक IP दे देंगे क्या 30.1.1.1 और इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे दोगे, है ना? तो ये हम लोग प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। तो स्विच 1 चाहिए हमें, स्विच 2 तो चाहिए नहीं। और ये लो फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 को मैं कर देता हूँ शटडाउन। अब हमारे पास में ये स्विच 1 ही है, स्विच 2 नहीं है, है ना? R1 है हमारे पास में, R1 पे काम करो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे नो IP एड्रेस बोल दो, IP एड्रेस हटा दिया मैंने इसका, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। और R2 को एक्सेस कर लेते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको मैं एक IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ क्या 20.1.1.2 ना, यही देना था ना, नो शटडाउन तो आई थिंक ऑलरेडी था ये। और R3 और एक्सेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक R3 क्लियर लाइन 35 R3 होस्ट नेम R3 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट इसके 0/0 पे एक IP देना है क्या 30.1.1.2, है ना? नो शटडाउन, ये काम करो नो IP राउटिंग करो यहाँ पे और इसको IP डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दोगे 30.1.1.1 और R2 पे भी चलो ये काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, नो IP राउटिंग और IP डिफ़ॉल्ट गेटवे इसके लिए क्या बनेगा 20.1.1.1 इसके लिए क्या बन जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, है ना? और स्विच पे चलो और स्विच पे जाके एक और काम करना पड़ेगा हमें, ये पोर्ट्स को भी हम लोग क्या करवा देते हैं ऐड करवा देते हैं किसमें, हाँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस करे VLAN 10 को, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस करे VLAN 20 को, है क्या? ठीक है, शो VLAN ब्रीफ देखना। VLAN 1 ऐड हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है VLAN, अरे ये वाला जो पोर्ट है इस वाले पोर्ट को 0/1 वाले पोर्ट को हम लोग क्या बनाएंगे ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा ना, तो हम लोग ट्रंक पोर्ट बना दें इसको वे, फिर ये कोई VLAN का मेंबर रहेगा नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, पहले क्या बोल रहे हैं इनकैप्सुलेशन सेट करो तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अरे समझ में आई ये बात? तो शो VLAN ब्रीफ अब दिखाएगा क्या है वो पोर्ट, नहीं दिखा रहा ना, क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन चुका है ट्रंक पोर्ट बन चुका है, ट्रंक पोर्ट भी किसी VLAN का मेंबर नहीं होता ना, समझ में आ गई बात? अब इस राउटर की अभी तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन करवा के देखें हम लोग इनके बीच में। R2 पे चलो पिंग स्पेस 30.1.1.2 को, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में? नहीं हो रहा ना, एक तो डिफरेंट VLAN में भी है और डिफरेंट नेटवर्क में भी है, है ना? तो शो IP राउट में इसको गेटवे दिया हुआ है ना 20.1.1.1, R3 को भी गेटवे दिया हुआ है ना IP राउट, हाँ ठीक है, इसको भी गेटवे दे रखा है। तो अब हम लोग राउटर वन पे चलते हैं और राउटर वन पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को आपने सिंपल नो शट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा इस इंटरफेस पे कुछ नहीं करना। अब हम लोग सब इंटरफेसेस बनाएंगे क्या, फास्ट इथरनेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10। और जब मैं इस पर IP देने की ट्राई करता हूँ ना, 10 क्या देना था इसको, 20.1.1.1 देना था ना, यह IP नहीं लेगा। क्या बोल रहा है, ये सब इंटरफेस है, पहले इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन सेट करो, क्योंकि इसके पास में जब डेटा आएगा तो वो टैग लगा के भेजेगा कोई, या फिर ISL या फिर .1Q, तो टैग लगा के भेजेगा। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि टैग को क्या करेगा, रिमूव करेगा या टैगिंग परफॉर्म करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोग सामने क्या यूज़ कर रहे हैं, .1Q ना, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँ, इनकैप्सुलेशन .1Q। और ये किस VLAN के लिए टैगिंग परफॉर्म करे, VLAN 10 के लिए टैगिंग परफॉर्म करे ना। और अब ये IP ले लेगा, ले लिया IP, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20। और मैं इसको क्या बोलना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन .1Q कौन से VLAN के लिए टैगिंग परफॉर्म कर, 20 के लिए। मतलब तुम जब भी इस इंटरफेस की तरफ डेटा फॉरवर्ड करो तो टैग लगा के भेजो, किसका, VLAN 20 का, है ना। तो स्विच को पता चल जाएगा ना VLAN 20 का डेटा आ रहा है, तो इस VLAN में भेज देगा 20 में, है ना। और मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ इसको क्या, 30.1.1.1.255.255.255.0। आप देखना शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में 2 राउट है, एक ये इससे कनेक्टेड है, एक 30 का है जो कि .20 से कनेक्टेड है। लास्ट टाइम इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अब इनके बीच में कम्युनिकेशन करवा के देख लो तुम लोग, देखना। और हाँ, जो ARP, इसने ARP किसके लिए जनरेट करी होगी, गेटवे के लिए। देखना इसके पास में R2 के पास में मैक एड्रेस किसका मिला, इसके पास में 20.1.1. अरे ये खुद का मैक एड्रेस पड़ा है इसका, अरे ये खुद का मैक एड्रेस है, और ये किसका है, गेटवे के उस सब इंटरफेस का। देखना है सब इंटरफेस का, ये क्या, ये लास्ट में C10 है ना। तो राउटर पे चलना, शो आर्प में ये IP हमने 20.1 IP किसको दिया था, देखना इसका हार्डवेयर एड्रेस यही है ना। इवन ये लो, शो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0.10 यही है ना, समझ में आ गई बात। तो इसने एक ARP जनरेट करी है किसके लिए, अपने इस गेटवे के लिए। इसने ARP रिस्पॉन्स दिया, इसने ARP रिस्पॉन्स में अपना एंट्री पुट कर ली, वो समझ में आई मेरी बात। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगा के भेज रहा है, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस। फ्रेम आया, इसने एक्सेप्ट कर लेगा, अब फिर ओपन करेगा लेयर 3 इन्फॉर्मेशन, अरे समझ में आ रही है मेरी बात। जब ये डेटा किसको भेज रहा है, लाइक सोर्स IP है 20.2, डेस्टिनेशन IP क्या है 30.2, तो ये इन्फॉर्मेशन लेयर 2 के ऊपर सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाएगा। लाइक इसका मैक एड्रेस ये है, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस B, इसका C, और इसका मैक एड्रेस क्या है D। तो ये अपना मैक एड्रेस लगाएगा A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगाएगा, डिफरेंट नेटवर्क में जब भी कम्युनिकेट करोगे गेटवे का लगाएगा। अपनी ARP टेबल चेक करेगा, ARP टेबल में एंट्री नहीं है तो चेक करेगा मेरा गेटवे कौन है, 20.1 का मैक एड्रेस चेक करेगा ARP टेबल में, ARP टेबल में नहीं है तो उसके लिए क्या जनरेट कर देगा ARP। और ये भी अपने पास में, अब इसके पास में जब ARP रिक्वेस्ट आएगी ये भी तो एंट्री स्टोर रखेगा उसकी, इस पर भी तो ARP प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो R1 के पास में भी शो ARP में देखना 20.1.1.2 का मैक एड्रेस आ गया ना इसके पास में भी, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो फिर ये फ्रेम आया, इसके पास में लेयर 2 इन्फॉर्मेशन ओपन करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसी का है, फिर ओपन करेगा लेयर 3 इन्फॉर्मेशन, डेस्टिनेशन IP क्या है 30.1.1.2। तो ये अपनी ARP, ये अब इस बार क्या लुकअप करेगा, अपनी राउटिंग टेबल, है ना। तो शो IP राउट, तो इसकी राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क पड़ा है, वाया किस इंटरफेस के थ्रू, तो ये इस इंटरफेस के थ्रू भेजेगा ना। तो अब सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज करेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सामने वाले का। स्टार्टिंग में इसके पास में होगा नहीं तो ये ARP जनरेट करेगा, देखना 30.1.1.2 का मैक एड्रेस पड़ा होगा R1 के पास में, शो ARP पड़ा है ना। तो सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस R3 का, और इस इंटरफेस से क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और इस इंटरफेस से जब भी फॉरवर्ड करेगा तो VLAN 20 का क्या करेगा, टैग लगाएगा। विलन 20 का यहाँ पे टैग लग के आएगा, विलन 20 का टैग जैसे ही लग के आया यहाँ पे वापिस से विलन 20 का टैग क्या करेगा, रिमूव करेगा। सेम विलन 20 का डेटा है ना इस इंटरफेस पे, वो मैकाडोस लर्न हो रखा है, इधर भेज देगा ना कम्युनिकेशन में। ऐसे ही यहाँ पे जब भेजेगा इस इंटरफेस पे तो ये विलन 10 का टैग लगा के भेज रहा था और यहाँ पे ये विलन 10 का टैग क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था। समझ में आ गई बात। तो ये पैकेट फ्लो रहता है इनका, कम्युनिकेशन हो गया इनके बीच में। डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं होता अगर ए और बी लगा रहा है वो सर, उसका अगर सर डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है वाली है तो फिर उस टाइम सर वही पैकेट ड्रॉप हो जाएगा जब बी लगा रहा हो। हाँ, गेटवे होना चाहिए ना उनके पास में। अच्छा होगा सर, ये दोनों सेम नेटवर्क पे भेज रहा होता, मान लीजिए 20.2 30.2 की जगह सर 20. ये लो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, मैंने यहाँ पे क्या बताया था 20.1.1.1 बताया था ना। क्लियर आर्प कैसे, जो आर्प में एंट्री है पिंग करता हूँ किसको 20.1.1, सॉरी मैं पिंग करता हूँ किसको 30.1.1.2 को। ये क्यों हो रहा है पता है, ये प्रोक्सी आर्प की वजह से हो रहा है। एक काम कर लो, अब प्रोक्सी आर्प का कॉन्सेप्ट तुम लोग CCNA में पढ़ के आना। IP प्रोक्सी आर्प सब इंटरफेस पे भी हो सकता है क्या? हाँ, इसको यहाँ से क्या कर दो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 पे भी IP प्रोक्सी आर्प को क्या कर दो। ये समझ लो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं R2 से जब कम्युनिकेट करूँगा, इसके पास में गेटवे तो है नहीं, पिंग स्पेस 30.1.1.2, तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में? प्रोक्सी आर्प क्या था वो NA का कॉन्सेप्ट है, वो राउट में बताऊँगा तुम लोगों को मैं अगर टाइम मिला तो। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास में गेटवे की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अरे गेटवे की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना इसके पास में। समझ में आ गई बात। और बताओ क्या रह गया इसमें।